रिसेंटली मुझे एक नए सब्सक्राइबर का मैसेज रिसीव हुआ कि उन्होंने अपने पैसे को जो है stack8.com यानी कि stack8.com में इन्वेस्टमेंट कर दिया था और उनके साथ जो है स्कैम भी हो गया है। इसका नाम उन्हें डाबर बताया गया। डाबर कंपनी की तरफ से दोस्तों आपको टास्क रिलेटेड वाला इन्वेस्टमेंट वाला जॉब का ऑफर बिल्कुल भी नहीं भेजा गया है। कुछ स्कैमर्स हैं जो कि कुछ इस तरीके की वेबसाइट, ध्यान से देखिए इसका इंटरफेस आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए stack8.com डाबर लिखा हुआ है, नीचे में पार्टनर्स के नाम होते हैं 100 से 1 लाख तक के, इसके रिचार्जेस, यहाँ पर इसके टास्क शो होते हैं, Amazon फ्लैगशिप स्टोर लिखा होता है, 60 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर लिखी होती है। इससे पहले भी इन्हीं स्कैमर्स ने सेम दिखने वाली इसी तरीके की फेक वेबसाइटों को क्रिएट किया था। बस ये लोग कुछ कुछ दिनों पर जो है पुरानी वेबसाइट को बंद करके फिर से नई वेबसाइट क्रिएट कर देता है, लेकिन इंटरफेस जो है बिल्कुल सिमिलर रहता है। सो बस इस अवेयरनेस वीडियो को मैं इसीलिए बनाया हूँ कि नई वेबसाइट आई है जिसमें आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि 100, 200, 500 इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो ये लोग स्टार्टिंग में विड्रॉ दिलवाता है 200, 400, 500 हज़ार का, वो विड्रॉ भी मत लीजिएगा। इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है इसलिए मना कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक लास्ट में अवेयरनेस की वीडियो लगाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उसे मैंने इस बारे में डिटेल में बताया हुआ है। एंड इसी के बाद हो सकता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में इन वेबसाइटों से 200-500 हज़ार आप अगर विड्रॉ ले लोगे तो आप इस भ्रम में रहोगे कि वेबसाइट से पैसा मिला है तो बाद में भी मिल जाएगा, और ये सोचते हुए आप उस मेंटर की बातों में आने लगोगे। मेंटर आपको बार बार टास्क देगा, एक्चुअली मैं अगर सिंपल बोलूं तो अनलिमिटेड टास्क आपको दिया जाएगा, या फिर कहा जाएगा 20% या 15% जो है टैक्स को पे करने के लिए। तो इन सभी बातों में नहीं आना है। अगर आपके पास भी जो है डाबर कंपनी के नाम से ये पार्ट टाइम जॉब के ऑफर्स आए हैं तो ये फेक पार्ट टाइम जॉब के ऑफर्स हैं, ये डाबर कंपनी आपको नहीं भेज रही है। सो अपने पैसे उसमें बिल्कुल भी आप इन्वेस्टमेंट मत करना, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं भाई वो कंटिन्यू मत करना, अदरवाइज और भी ज्यादा स्कैम हो सकता है। आपने जो भी पैसा उन लोगों को भेज दिया है उसका ट्रांजैक्शन का प्रूफ आपके पास होगा तो उसका इस्तेमाल कीजिए, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हेल्प लीजिए। साइबर कंप्लेन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, आप 1930 नंबर को डायल करके साइबर कंप्लेन कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ट्रांजैक्शन के प्रूफ को उसमें ऐड कीजिए एंड किस तरीके से स्कैम आपके साथ हुआ है सभी चीज़ें उसमें मेंशन कीजिए। शायद उनकी हेल्प से, यानी कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की हेल्प से शायद आपको आपके पैसे वापस मिल जाए, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और कोई भी उपाय नहीं है एंड किसी के भी मनी को रिकवरी वाली बातों में नहीं आना है। सो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 अवेयरनेस की वीडियोस मैंने लगा दिया है, एक में तो इन लोगों ने मुझे पता नहीं क्या ही कह दिया है कि कहाँ कहाँ मैं चला गया हूँ। देख सकते हो आप। थैंक यू सो मच।